Hi guys, assalamu alaikum. This is Pyumra and welcome back to my another vlog. So आज दो कन्याएं बिल्कुल एथनिक में बिल्कुल प्यार से और बहुत अच्छे से क्या बोलना चाहती है शिवी, हम कहाँ जा रहे हैं? निजामुद्दीन दरगाह. तो हम जा रहे हैं निजामुद्दीन बिकॉज टुडे इज थर्सडे और शिवी का ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और मैं तो जा चुकी हूँ और अभी हमें थोड़ा काम भी करना है वहाँ जाके और वहाँ निजामुद्दीन को एक्सप्लोर भी करना है. तो मेरे ब्लॉग में आपने नहीं देखा होगा, फॉर दैट से वी आर ऑलरेडी हेयर और शिवी दे रही है पैसे क्योंकि शिवी बहुत रईस है और अभी हम लोग उतरेंगे नीचे. कहिए थैंक गॉड. ओके भैया देखो, दीदी भैया देखो इधर, भैया देखो, हाँ निजामुद्दीन के मार्केट में. ये देखिए नहीं भैया इतनी आगे नहीं रखेंगे. तो ये लोग ना चप्पल मांगते हैं पहले, ठीक है? तो अभी तो बहुत स्टार्टिंग है तो आगे चल के हम लोग चप्पल उतारेंगे. कौन सा ब्रेड खाना है तुझे? ये वाला भैया, ये एक दे दो, कोई सा भी दे दो, मुझे नहीं पता. हाँ ये कितना दे दो. So guys, वो छोटू सा बच्चा he was hungry, तो me and Shivi had, कहाँ गई? हम दोनों ने खाना खिला दिया, कुछ अच्छे काम अच्छी जगह निकल आते ही कर दिया है ना. तो शिवी का ये फर्स्ट टाइम है और मेरा तो आई डोंट नो मतलब कितने बार मैं आ चुकी हूँ. सो वी आर जस्ट एंटरिंग द दरगाह. तो हेयर हमने स्लीपर्स उतार दिया है बिकॉज स्लीपर पहन के यू नो दरगाह में नहीं आते हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर. रश्विन को अभी टाइम है गाइस, तो ही विल कम थोड़े से बाद में. सो मी एंड शिवी इज हेयर. यू रिमेंबर द शॉप ना इस? अच्छा कोई नहीं, अगर नहीं होगा तो हम वीडियो से वो निकाल लेंगे. सो गाइस वी आर एंटरिंग हेयर. सो गाइज फाइनली हम लोग इंटर कर चुके थे दरगाह और यहाँ पे सिर्फ अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया ही नहीं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट मज़ार भी है, बहुत लोगों की मज़ार है जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं. और यहाँ पे इफ्तार की तैयारी हो रही थी गाइज, जो ये आंटियाँ कर रही थी और यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सी ग्लिम्स ली बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा थे तो शूट करना पॉसिबल उतना नहीं था. और फिर हम लोग यहाँ पे अंदर आए बिकॉज शिवी को ये एक्सप्लोर करना था, शिवी को देखना था. शिवी का ये पहली बार है, हम अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि हम लड़कियाँ हैं. तो आप लोगों को बाहर से ही थोड़ी बहुत सी ग्लिम्स दिखा दी. और गाइज मैंने लोगों को अभी बोला कि शिवी का ये पहला एक्सपीरियंस था तो शिवी वॉज नोटिसिंग एवरीथिंग और उसको अच्छा लग रहा था. शी वॉज इन्जॉइंग, शी वॉज हैविंग अ गुड टाइम ओवर हेयर. तो यहाँ पे शिवी देख रही है कि अंदर में क्या है एंड शी वॉज प्रेइंग. शिवीज हेयर और रश्विन इज ऑन इट्स वे. यहाँ पे कव्वाली स्टार्ट होने वाली है और हम लोग अभी कव्वाली सुनेंगे और हम लोग जल्दी जल्दी से दुआ मांगेंगे और यहाँ पे वेट करेंगे इफ्तार का. हमें अभी अभी पता चला है दैट यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, आप दरगाह की पिक्चर्स नहीं ले सकते हो. तो
वी आर रियली सॉरी गाइज दैट हम आपको प्रॉपरली नहीं दिखा सकते, बट जो थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिखा पा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं और शिवी बैठ गए, शिवी दुआ मांग। रश्विन इज हियर, हाय रश्विन। शिवी इज एग्जॉस्टेड, उसको अभी से गर्मी लग रही है, उसको रोजा लग रहा है। हाँ शिवी, आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी। रश्विन तेरे साथ क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। रश्विन को बहुत जोर से डांट पड़ी। क्यों रश्विन? Not able to shoot. He was shooting something और बहुत strictly बोला गया, तुम shoot नहीं कर सकते। Scam हो गया, scam. सो गाइज़, ये अंकल सबको यहाँ पे पंखा चल रहे थे, सारे रोज़ेदारों को, और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे गाइज़, बिकॉज़ थर्सडे था और यहाँ पे सारे लोग इफ्तार के लिए बैठ चुके थे, यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था। तो मैं थोड़ी बहुत ग्लिम्स दिखा रही हूँ गाइज़, और यहाँ पे हमारी प्लेट है जो हमें मिली थी, जो मैंने शिवी को पकड़ने दी थी। और यहाँ पे इतनी रश थी, इतनी रश थी, मतलब लोग पागल ही हो चुके थे गाइज़, मैं क्या ही बोलूँ, अभी तो डंके बैठे। गाइज़ वी हैड सच अ बैड एक्सपीरियंस, पीपल वर फाइटिंग ऑन फूड, दे वर जस्ट रनिंग बिहाइंड एवरीबॉडी जस्ट टू हैव मोर एंड मोर फूड। मैंने हेल्प करी, फिर लोगों ने मुझे भी सुनाना स्टार्ट कर दिया, तो आई स्टॉप इट एंड दे आर रनिंग एंड रशिंग एज इफ दे विल किल ईच अदर। दिस इज सो रॉन्ग। देखो ना, क्यूट बॉय, ही से ही हैज 11 मिलियन। डू यू हैव 11 मिलियन? सीरियसली? This cute little champ, he is full of energy. So guys, कवाली भी हमने सुन ली, आप लोगों ने भी सुन लिया। It's almost 11. I'm still here. So I'll go back soon. He's funny guys. यहाँ पे आधे से ज़्यादा शॉप बंद हो चुकी है, और मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने स्लीपर्स कहाँ उतारा था। तो लेट्स गो टू फाइंड आवर स्लीपर्स। और अभी भी यहाँ पे कवाली हो रही थी, सो लेट्स गो। वेयर इज रश्विन? कहाँ जा रहे हो? वेट, मेरे बिकॉज मैं अकेले तो नहीं जा सकती, तो आई कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड एंड दे आर वेटिंग। ठीक है, और अभी हम पियेंगे चाय। चाय पियेंगे? Why you are closing my camera? Why? Why you are a show, Rashwin? यहाँ पे बहुत रात हो चुकी है guys. Oh my god, girl power. चलो Rashwin, please take one bun baska for me. मेरा पहला इफ्तार के बाद का कुछ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया भाई। आप इसको हाफ पकड़ोगे? मतलब हाफ ऐसे खींचना नहीं है। स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल ऑफ लाइफ। अरे यार, इस आरे कैसे बन गए? अरे ना यार, हाँ उनके वो टाइम में। इफ यू आर टॉकिंग दैट लाइफ, व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड, तब मैंने अपने बाबा के साथ खाया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। नाउ आई एम वेरी हैबिटुअल ऑफ दिस। अभी तो बनता है खाना। From almost 10 minutes now, uncle is telling me bye. कहाँ गए अंकल? अंकल बोलो bye. He wants good night. He wants me to leave. Bye bye.
Why are you laughing? That's finally home. और मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था and you know that my second family is here. तो बहुत अटपटा सा कुछ खाना बना है. Can you guys please tell me कौन सा गाना था? गाना बोल रही खाना था भैया. आप भैया सोच रहे हैं भाव खा रहे हैं but I don't know कुछ अतरंगी सा खाना है. ग्रिल चिकन विद हमस एंड पीटा ब्रेड. आई डोंट नो वो क्या अतरंगी सा खाना है बट कुछ यूनिक सा खाना है तो वो आपको दिखाऊंगी भी और खा भी लेती हूँ. ओके गाइस चलो जल्दी जल्दी. ये है मेरा अतरंगी सा खाना. दिस इज चिकन, दिस इज हमस, दिस इज पता नहीं कौन सा ब्रेड जिसको जिसकी शक्ल रोटी जैसी है बट इसका टेस्ट डिफरेंट होगा. लेट मी हैव इट. सो गाइस मस्त कुछ अंग्रेज सा खाना खा के जो कि बहुत यम था और भैया भाभी का बनाया हुआ मिक्सचर था. ठीक है वो लोग सास में पीछे कुछ बात कर रहे हैं और अगर वो सास आया तो आई एम सॉरी बट हाँ वो लोग बात कर रहे हैं. और अब मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ. आई होप यू लाइक माई ब्लॉग. इफ यू लाइक माई ब्लॉग डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.